गोलीकांड मामले से नाराज ग्रामीणों ने थाना परिसर में 6 घंटे किया धरना प्रदर्शन। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा की समझाइश पर धरना समाप्त। मनोहरपुर से जाफर लोहानी की रिपोर्ट। मनोहरपुर कस्बे के बिशनगढ़ स्थित एक किराने के दुकानदार को गल्ला देने की बात को लेकर गोली चलाने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को 6 घंटे तक थाना परिसर में धरना दिया व बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। एसपी शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एसपी ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए अधिकारियों की टीम बना दी गई है। जानकारी अनुसार बिशनगढ़ रोड स्थित परचूनी की दुकान करने वाले शांतिनगर निवासी हंसराज पुत्र शंकरलाल की दुकान पर 3 बाइक सवार आरोपियों ने गोली चला दी, जिससे हंसराज पूर्ण रूप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया। इसके बाद ही ग्रामीण करीब सुबह 11 बजे थाना परिसर में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग में फरार दोनों आरोपियों के तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करने की मांग की, जिसकी सूचना पाकर कांग्रेसी नेता मनीष यादव, भाजयुमो प्रदेश मंत्री देवायुष सिंह, युवा कांग्रेसी नेता प्रवीण व्यास, हरि नारायण गठाला, जिला परिषद सदस्य सरोज रामधन गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य ललिता अशोक व्यास, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनीष कुमावत सहित कई नेता मौके पर पहुंचे। इस दौरान धरने की सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कस्बा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, पर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा को मौके पर बुलाने की मांग की। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण एसपी दत्त शर्मा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की, जिस पर 6 घंटे के बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि श्याम सुंदर प्रजापत व पिसी सैनी, वसीम कुरेशी, सुरेश जाला, शंकर प्रजापत, अलादीन खान पडियार व रामकरण यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। एसपी साहब हमारे बीच में आए हैं और ये समय देने की बात नहीं है, केवल की कोई समय सीमा है। मैं चाहता हूँ आम जनता की तरफ से 30 अक्टूबर को शाम को 8:30 बजे मनोहरपुर कस्बा के पास में शांतिनगर के एक बाइक पर 3 लोग आए और उन्होंने एक जनरल स्टोर के मालिक के ऊपर पहले धमकाया और गल्ला लेने के बाद फिर बहसबाजी की और उनमें से 2 लोगों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति हंसराज घायल हो गया। इसी इतला पर पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और गांव वालों के सहयोग से और पुलिस की अपनी मेहनत से एक जो गाड़ी बाइक थी उसको जब्त किया और उसमें से एक मुलजिम को हमने पकड़ लिया, जो मुलजिम का नाम पवन मीणा है, जो कि हरसोरा थाना अलवर का रहने वाला है। इसके खिलाफ पूर्व में भी लूट, डकैती और मारपीट के और चोरी के करीब 17 मुकदमे दर्ज है। अन्य 2 मुलजिम हैं, उनको नामजद कर लिया गया है, जिसमें एक का नाम मनीष मीणा है, एक का नाम विजय मीणा है। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए सब पूरे ज़िले की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, जिसमें CO कोटपुतली दिनेश जी और CO साहब शाहपुरा सुरेंद्र जी और SHO कोटपुतली, SHO मनोहरपुर, SHO शाहपुरा और विराटनगर, पूरे सभी टीमें इस इलाके में ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो दोनों मुलजिम पैदल भगे हैं, उसी एंगल के ऊपर इनके बारे में तलाश की जा रही है और अभी कुछ क्ल्यूज मिले हैं, उसके आधार पर जल्दी उन 2 अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाए।